हमने लीजिए लगा दिया आईपीएच का प्रोजेक्टर विद कवर, टॉप मॉडल वाली हमने क्रोम लगा दिया, प्लस पॉइंट पे विद रिले काम है कपलर टू कपलर। अच्छा। जिसके अंदर नीचे हमने डाल दिया भाई 130 वोल्ट एलईडी, ऊपर डाल दिया 220 वोल्ट एलईडी। दोनों की रिप्लेसमेंट वारंटी मिलेगी आपको, दो दो साल की, कोई भी दिक्कत परेशानी आता है 2 साल के अंदर ऑन काउंटर रिप्लेसमेंट है। बिल्कुल, आपकी वीडियो देखी थी 1 महीने से। अच्छा, 1 महीने से देख रहे सारी वीडियो देखिए लास्ट की। अच्छा अच्छा, तो जैसे कि भैया आप एलेक्सा वेरिएंट लेकर आए, आपने अपने बोले थे फैमिली के हिसाब से बजटली काम कराया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बजटली काम कराया है। मैंने पहले आते ही बोल दिया था इनको कि भाई मेरा इतना बजट है और मुझे इतने बजट में क्या क्या आ जाएगा, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने अपने आप लिस्ट बना दी और वो सारा सामान इंस्टॉल करा दिया। मारुति जर्मन अलॉय व्हील लगा दिए इसके अंदर, विद टायर चेंज कर दिए हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरे ताई, सब बढ़िया होंगे, मजे ले रहे होंगे। तो भाई आज लेकर आ चुके हैं आपके लिए फिर से एक और नई शिफ्ट जो कि अपना बेस वेरिएंट रहने वाला है। ऐसे कर रहे हैं टॉप मॉडल में कन्वर्ट। इस वीडियो में आपको दो दो गाड़ी दिखेंगी जो कि दोनों ही बेस मॉडल और दोनों ही टॉप मॉडल कन्वर्ट होने आई है A4 कार एसेस करोल बाग में अपना मिलवाते हैं। तो भाई वीडियो को करते हैं स्टार्ट की क्या क्या इसमें काम रहने वाला है, दूसरी गाड़ी भी इसमें कवर रहने वाली है विद प्राइस के साथ अपना। तो वापस स्वागत है, क्या चल रहा भाई? बहुत बढ़िया, आज क्या लेकर आगे अपना? शिफ्ट की बेस मॉडल रहने वाला है जिसके अंदर हमने काफी अच्छा काम किया है। पहले बता दूं गाड़ी काफी दूर से आया है, नंबर इसका टेम्पररी है, UP 70 टेम्पररी नंबर रहने वाला है। गाड़ी अपना यहीं से लोकल में निकला है लेकिन गाड़ी है काफी दूर से। अच्छा, मैं वो चीज आपको कंफर्म कर दूंगा गाड़ी कहाँ से आई है कस्टमर से फीडबैक के द्वारा। अच्छा, बाकी मैं अभी आपको बताना स्टार्ट कर देता हूँ जो हमने गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज इसके अंदर प्रोसेस में है और क्या क्या चीज हमने इसके अंदर अपडेट कर दिया। अच्छा, पहले भी हम इसके अंदर डैम्पिंग कर रहे हैं डबल लेयर में, यू नो मिंडा का। अच्छा, ठीक है, 3.9 थिकनेस वाली अवतार के कंपोनेंट को एक्सेल के सेटअप डाल रहे हैं, डायमंड 2 के स्टीरियो लगा रहे हैं, स्टीयरिंग चेंज कर रहे हैं, इनर हैंडल टॉप मॉडल का लगा रहे हैं, प्लस पॉइंट में सीट को बगड़ वाले डाल रहे हैं, फ्लोरिंग बढ़िया वाली अपनी चेकमेट जो आती है वाली कर रहे हैं, ऑटोफोल्ड साइड मिरर, ऑटोफोल्ड साइड मिरर चालू कर रहे हैं। और इसके अंदर हम जितने भी काम करते हैं कपलर टू कपलर काम करते हैं गाड़ी के अंदर, ये देखो अभी कपलर ये अपना प्लग टू प्लग लगेगा, ऑटोफोल्ड साइड मिरर का कपलर रहने वाला है। बिल्कुल, फ्रंट से बात करें फ्रंट से हम क्या क्या इसके अंदर अपडेट कर रहे हैं, हेडलाइट में भी 220 वोल्ट की एलईडी इंस्टॉल कर रहे हैं, नीचे प्रोजेक्टर लगा रहे हैं, प्लस पॉइंट पे इसके अंदर भी हम 130 वोल्ट के साथ 130 वोल्ट एलईडी इंस्टॉल करेंगे विद रिले काम हो रहा है गाड़ी। अच्छा। के अंदर सारा जेनुइन काम हो रहा है कपलर टू कपलर, प्लस पॉइंट पे भैया यहाँ से आप देख सकते हो सीट कवर की हमारी फिनिशिंग बगड़ की, काफी जगह आपको बट वगैरह देखने को मिलता है लेकिन अपने पास वैसा चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, प्रॉपर फिटमेंट के साथ मिलेगा। अच्छा, ठीक है, एलईडी हमने भैया क्रिस्टल आई विंडो का इंस्टॉल कर रहे हैं इसके अंदर, बाकी हमारी 2 ईयर रिप्लेस वारंटी है ना। बिल्कुल भैया, और एक चीज और मैं बता दूं भैया इसके अंदर हैंडल क्रोम अब इसके अंदर अपडेट हो जाएगा, लोअर गार्निश का ऑप्शन भैया का रहेगा, साइड बीडिंग बना कर रखे हैं, डोर वाइजर लगाना है इसके अंदर। अच्छा, गाड़ी हमारी इस वाली गाड़ी में हाफ ब्लैक नहीं कर रहे लेकिन हमारी जो पार्किंग वाली गाड़ी है वो हाफ ब्लैक भी हो रहा है, प्लस पॉइंट पे स्पॉलर भी लग रहा है। अच्छा, तो गाड़ी एकदम सुपर सुपर डुपर सब तैयार हो रहा है, प्रॉपर तरीके से जेन्युइन काम हो रहा है हमारी। तो एक बार सारा काम कंप्लीट होने देते हैं। तो फाइनली जो अभी गाड़ी कवर करी थी वो हो चुकी है कंप्लीट, दूसरी वाली गाड़ी अभी काम पेंडिंग में है, तो अभी उसका फाइनल लुक दिखाएंगे उसका भी अपना। तो इसमें क्या क्या रहने वाला है फाइनल लुक में? फाइनल लुक में बात करें भैया इसके अंदर हमने क्या क्या अपडेट कर दिया फाइनल लुक में, इसके अंदर हमने नीचे लगा दिया आईपीएच का प्रोजेक्टर विद कवर, टॉप मॉडल वाली हमने क्रोम लगा दिया, प्लस पॉइंट पे विद रिले काम है कपलर टू कपलर। अच्छा। जिसके अंदर नीचे हमने डाल दिया भाई 130 वोल्ट एलईडी, ऊपर डाल दिया 220 वोल्ट एलईडी। दोनों की रिप्लेसमेंट वारंटी मिलेगी आपको, दो दो साल की, कोई भी दिक्कत परेशानी आता है 2 साल के अंदर ऑन काउंटर रिप्लेसमेंट है। रिस्पॉन्स चेक करा दे, बाकी मैं आपको एक बार रिस्पॉन्स आपको मैं चेक करा देता हूं, प्रॉपर देखो दिखाएंगे। ये देखो ये फॉग लाइट है, ये हेडलाइट है, ये चेक करो आप अपना, है ना, प्रॉपर डीपर वगैरह सारा कुछ अच्छा खासा रहने वाला, काफी अच्छा। प्लस में आगे हमने हॉर्न लगाया क्रेटा वाला, तो क्रेटा वाला यहाँ पर साउंड रहने वाला है जो कि बहुत ही अच्छा खासा है, जैसा होता है ना गाड़ी का लुक बन जाता है, तो ये चीजें भी जरूरी होती है थोड़ी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बाकी साइड प्रोफाइल में आज आपको लग रहा होगा भाई बिल्कुल बंदे ने टॉप बना दिया, बिल्कुल भाई बिल्कुल ही टॉप ही बना, एकदम नेक्स्ट लेवल गाड़ी पे अलॉय लगा दिए हैं जो कि अपने टॉप मॉडल वाले मारुति जर्मन अलॉय व्हील लगा दिए इसके अंदर, विद टायर चेंज कर दिए हैं, जो हमारा टायर रहने वाला है अपना रहने वाला जेके टायर, जेके का जेके 15 इंची अपना, 15 इंची देख सकते हो, यहाँ पे फेंडर गार्निश लगा दिया है, बेस टू टॉप जो बंदा सारा काम कराता है अलॉय का रेट रहने वाला मात्र 22,500 रुपए में, 22,500 बेस टू टॉप कराओ 22,500 के अलॉय भी ले जाओ। अच्छा, फेंडर गार्निश हमने लगा दिया यहाँ पे, फोल्डिंग अनफोल्डिंग दोनों, एडजस्टिंग फोल्डिंग दोनों है। अच्छा, वो भी मैं आपको चेक करा देता हूं, वो भी चेक करा देते हैं अपना आपको कि भाई ये प्रॉपर फोल्ड अनफोल्ड करता भी है या नहीं करता है अपना। तो देखो प्रॉपर आपको देखो वो चाबी देखो ये करा फोल्ड, एक बार में बंद होगा एक बार में चालू होगा, देखो प्रॉपर आपको यहाँ पे वर्किंग मिल जाएगी। यहाँ पे अपने डोर हैंडल लगा दिए जो कि अपनी गैली कंपनी के रहने वाले, खूब अपना हाथ वगैरह से खोलो तो ना ही कोई कटने का डर रहेगा ना ही, और बोले ये क्रोम परमानेंट ही रहता है अपना, गैली का क्रोम लगा भैया, लोकल क्रोम इसके अंदर हमने यूज नहीं किया क्योंकि भैया का कहना था काम जितने भी कर रहे हो चाहे एक लगाओ चाहे 10 लगाओ क्वालिटी में लगा के, तो वही क्वालिटी हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया है। क्वालिटी की बात करें तो हम गैलियों का लगाया इसके अंदर, क्या ना हाथ कटने की कोई इशू नहीं आती है। बैक प्रोफाइल में, बैक प्रोफाइल में नीचे हमने भैया मड फ्लैप भी इंस्टॉल कर दिया है, देख सकते हो, बाकी नीचे लगा दी रिफ्लेक्टर लाइट, मैं एक बार आपको और अच्छे तरीके से दिखा देता हूं। स्कूटी थोड़ा हटा के आपको रिफ्लेक्टर लाइट भी चेक करा देते हैं, देखो ये चेक करो
तो ये मैट्रिक से रहने वाली है, मैट्रिक ब्रेक इंडिकेटर पार्किंग तीनों मोड इसके अंदर चलेगा। नीचे हमने कैमरा इंस्टॉल कर दिया जो हमारा बम्पर में आने वाला है। तो यहाँ पे अपनी पार्सल ट्रे लगा दी जो कि जेन्युइन रहने वाली है, और इसके बाद जो भी इसमें सामान उतरा है स्टीयरिंग हो गया, और पीछे से इसमें जेबीएल का 1300 वोल्ट का बूफर भी लगाया गया। गाड़ी में साउंड सिस्टम काम अच्छा हुआ भैया, अच्छा। आगे हमने अवतार का कंपोनेंट को एक्सेल यूज किया है, डैम्पिंग लगा गाड़ी में, डैम्पिंग हुआ डबल लेयर में डिग्गी तक। मैं आपको चेक भी रहता हूँ, ये देखो भैया ये चेक कर सकते हो आप अपना, काफी अच्छा यहाँ पे आपको चीजें मिल जाएगी। हमने जेबीएल 1300 वोल्ट की बूफर इसके अंदर इंस्टॉल किया, जिसके अंदर आपको काफी अच्छा बेस देखने को मिल जाएगा, जगह स्पेस भी छोटी हो जाती है और बेस का बेस मिल जाएगा, कहीं आप आते जाते तो लैगेज का इशू नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक है। बाकी मतलब मोटा मोटा देखो तो सारा ही काम इसके अंदर हमने कंप्लीटेड कर दिया भैया का। बाकी एक बार आप अंदर से लुक चेक, अंदर से आपको मैं लुक चेक कराता हूँ, डैम्पिंग आपको मैं यहाँ भी चेक कराता हूँ, ये चेक करो और ये चेक करो, ये चेक करो। अंदर के समय हमने भी इसके अंदर स्विफ्ट की वेलकम प्लेट इंस्टॉल कर दिया है, बाकी इनल हैंडल टॉप मॉडल वाला लगा दिया है, टूटर हमने अवतार के यहाँ रिप्लेस कर दिया है। नीचे चेक कर सकते हो भैया, फ्लोरिंग कर दिया हमने, चेकमेट कंपनी है जिसकी फिटमेंट आपको काफी प्यारी देखने को मिलेगी, ये प्रॉपर अपनी फिटिंग के हिसाब से आती है ना। मैट हमने 70 वाला इसके अंदर कपिंग साइज वाला डाल दिया है। बाकी एक बार मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ क्या क्या हमने इंस्टॉल किया। सीट को हमने बकड़ वाला लगा दिया, जिसके अंदर फुल ब्लैक के अंदर भैया को एकदम सोवर डिजाइन चाहिए था एक फैमिली कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो हमने वही तैयार किया है। यहाँ पे बर्फी का मिल जाएगा, साइड में बर्फी, यहाँ पे डिटेल एंड स्टीयरिंग, जो काफी आपको अच्छी चीजें देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे अपना आर्मरेस्ट भी लगा दिया है, आर्मरेस्ट इसके अंदर हमने स्लाइडिंग वाला लगा दिया जो आपको काफी अच्छा इसके अंदर चीजें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गियर नॉब कॉम्प्लीमेंट्री देखो, गियर नॉब कॉम्प्लीमेंट्री, परफ्यूम कॉम्प्लीमेंट्री, और इसके अंदर हमने भैया सीट गोर के पीछे के फिनिशिंग चेक कर सकते हो, प्रॉपर एक लेवल टू लेवल रहेगा। आप मेरे को पीछे से मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ इन चीजों को, तो काफी भाई को माइंड में रहता है जब पीछे से कैसी फिनिशिंग आती है, भाई पीछे से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भैया प्रॉपर फिनिशिंग, प्रॉपर चीजें के साथ गाड़ी में काम होता है भैया। ये भैया का सामान वगैरह रखा है, और इसका साउंड सेटअप सुनाते हैं अंदर बैठ कर, बजट बताएंगे फिर अपना। साउंड सेटअप तो इसमें बहुत ही हाई एंड रहने वाला है, मतलब कि फैमिली के हिसाब से तो ऊपर लेवल का रहने वाला है। बजट क्या रहने वाला है तो अतुल भाई इसको? भैया एक लिमिटेड गाड़ी के अंदर बजट है, अलेविल छोड़ के सारा काम गाड़ी के अंदर हो गया है, मोटा मोटा 75 से 85 के बीच। हमने बाहर से बेस्ट में दिलवा दी अपने, जो की डिस्काउंट भैया देखो जो हमने 2500 का रेट हमने बता रखा है उस रेट में बाकी टायर वगैरह माइनस प्लस करके हमने भैया को काफी अच्छे रेट में डील करवा दिया। बाकी इसका भी टोटल बिलिंग का खर्चा आ रखा है भैया 75 से 85 के बीच में सारा काम हो गया। दूसरी गाड़ी कवर करते हैं, पहले जो भाई आपने वीडियो देखा है अपनी उनका फीडबैक ले लेते हैं। हाँ, बिल बिल मेन हमारा ये वाला गाड़ी था जो हमने इसके अंदर सारा ही काम किया था, बाकी प्राइस के साथ अपना हर चीजें कवर करेंगे फिर, हर एक चीज छोटी से छोटी भी। बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो अपने भैया रहने वाले इस गाड़ी को, तो भैया कहाँ से आयो? मैं प्रयागराज इलाहाबाद से। इलाहाबाद से अपनी वीडियो देख के? हाँ, यूट्यूब पे। हाँ अच्छा, तो भैया जैसे वीडियो वगैरह देख कर आए आप अपनी यूट्यूब पे, तो कैसा काम लगा? जैसे बेस मॉडल लिया आपने कल, और कहाँ से ली थी ऐसे? ये मैं कानपुर से लिया था। कानपुर से ली थी, और डायरेक्ट आसपास के एरिया में ये गाड़ी थी नहीं। हाँ हाँ, ये आगरा से मंगवाई गई थी। मंगवाई गई थी अपने प्रयागराज में, मिली नहीं थी तो लेकर के आया मैं, फिर डायरेक्ट यही चलाया मैं। अच्छा, कल गाड़ी खरीदी डायरेक्ट शोरूम से लेके सीधा घर गई अब तो? गाड़ी घर गई है? गाड़ी नहीं, घर नहीं गई, घर नहीं गई, मतलब टॉप मॉडल दिखानी है आस पड़ोस में कि हाँ टॉप मॉडल लाए हैं वहाँ से, है ना। तो कैसा काम रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? काम एक्सीलेंट, बढ़िया काम, बहुत बढ़िया। फिनिशिंग वगैरह गाड़ी एक नंबर, नहीं 10 में से 10 अपना खुश होकर जा रहे हो? हाँ, कोई भी आए उनसे एक बार जरूर मिले। अच्छा, मैं तो डायरेक्ट आकर के काम करवाया हूँ, मैं कहीं पता भी नहीं। हाँ, मैं डायरेक्ट आया, क्योंकि शिफ्ट जो होती है वो यहीं पे होती है अपनी, है ना। हाँ, बिल्कुल खुश होकर जा रहे हो? हाँ बिल्कुल। ओके थैंक यू, मैं तो सब तो कहूंगा कि आए आए अपना, है ना। ओके थैंक यू। तो ये वाली गाड़ी भी कम्प्लीट हो चुकी है जो की अब तक हमने दिखाई नहीं थी, फाइनल लुक इस गाड़ी का प्रॉपर दिखाने वाले हैं। तो क्या रहने वाला तो भाई इस गाड़ी में, ये जो शिफ्ट बेस वेरिएंट रहने वाला है अपना, और जो कि यहाँ से पहचान हो सकती थी पर हमने यहाँ पे फेंडर गार्निश लगा दिया अपने ना। पहले भी फ्रंट से बात करते हैं, फ्रंट से हमने इस गाड़ी के अंदर क्या क्या अपडेट किया है। पहले आप चेक कर सकते हो भैया, हेलोजन का अपडेट आता है जिसके अंदर हमने एलईडी का अपडेट इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है, 220 वॉट की एलईडी इंस्टॉल कर दिया, जिसकी रोशनी आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा नाइट में, और नाइट में आपको डे की रोशनी मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। नीचे भैया फॉग लाइट का ऑप्शन मिल जाता है आपको, अगर आपको चेंज कराना फॉग लाइट लग जाएगा, नॉर्मल लगवाना नॉर्मल भी मिल जाएगा। अच्छा, साइड प्रोफाइल में इसके अंदर हमने भी फेंटर पे फेंटर गार्निश लगा दी जो हमारा जी ड्राइव पर रहने वाला है, गैलियो का,
जो काफी अच्छी टेप के साथ व्हील कवर लगा दिया यहाँ पे, व्हील कवर लगा दिया। साइड प्रोफाइल भी आप गाड़ी पर चेक करके बताओ साइड से किस तरीके का लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। मिरर्स के अंदर हमने भी इंडिकेटर कवर इंस्टॉल किया जिसके अंदर आपको सिर्फ इंडिकेटर वर्किंग होगा, कवर टॉप मॉडल वाला लगा दिया जिसके अंदर आपको इंडिकेटर पे कुछ इस तरीके का ब्लिंकिंग मिल जाएगा। बाहर से जो लुक होगा वो टॉप मॉडल वाला रहने वाला है, अंदर से एडजस्टिंग और फोल्डिंग नहीं होगा। टॉप मॉडल का अगर आपको चाहिए वो भी मिल जाएगा। बाकी अगर लुक वाइज की बात करो तो कोई ये नहीं कह सकता हमारी गाड़ी बेस मॉडल है, बेस मॉडल ठीक है। नीचे हमने साइड वेडिंग भी कंपनी से लेके आया था तो हमने इंस्टॉल करवा दिया है। डोर वाइजर कंपनी के रहने वाली, किसी भाई को अपने को चाहिए अपने अवेलेबल मिल जाएगा। अच्छा, बाकी ऑप्शन पे बात करें ये दो चीज बस फीका फीका क्यों लग रहा है, अगर ये दो चीज लग जाते तो गाड़ी और ज्यादा साइड से अच्छा लगता। गाने से हैंडल क्रोम, लो एक हैंडल क्रोम लगवा लीजिए, एक लोअर गाने से लगवा लेते तो गाड़ी काफी अच्छा साइड से अच्छा लगता। अच्छा, पिलर हमने और छत हमने हाफ ब्लैक कर दिया पूरा, एवरी कंपनी के टेपिंग इसके अंदर इंस्टॉल किया जिसके अंदर आपको 5 साल तक अगर आप इसके अंदर 5 साल बाद भी आप हटा देते हो ना इन फ्यूचर, ना पेस्टिंग छोड़ेगा ना पेंट छोड़ेगा, इस बात की गारंटी है। अच्छा, बाकी भी बैक प्रोफाइल में इसके अंदर देखो पीछे तक हमने इसके अंदर टेपिंग किया है, स्पॉइलर लगा दिया एबीएस क्वालिटी का, गाड़ी हिल जाएगा लेकिन कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा ठीक है। नीचे चेक करो भैया, हमने ये लगा दिया अपना रिफ्लेक्टर लाइट ठीक है। बाकी कैमरा हमने एचडी वाला लगा दिया यहाँ पे। डिग्गी ओपन करके दिखाते हैं, डिग्गी के अंदर हमने क्या क्या इसके अंदर रखा है, पार्सल ट्रे इंस्टॉल कर दिया, बाकी पाइनियर का कंपोनेंट को एक्सल जो हमने लगाया था वो डाल दिया, स्टीयरिंग चेंज किए, हब भी यहाँ पे रख दिए, बेस मॉडल मतलब जितने भी चीजें थे सारा हमने भैया की गाड़ी के डिग्गी में डाल दिया, हमारे किसी नीड के नहीं थे। अब अंदर से दिखाते हैं क्या क्या बचा। यहाँ पे डोर पैनल में अपने इनर हैंडल चेंज कर दिए जो कि अपने टॉप मॉडल में आते हैं, बेस मॉडल में कुछ ब्लैक कलर के ही आते हैं अपने, है ना जी, बिल्कुल भैया। और इसके अंदर एक चीज और भी हमने किया जो डबल लेयर में हमने डैम्पिंग किया है, देखिएगा बाहर से आप दिखा भी सकते हो चीजों को नॉइस को, क्योंकि भैया डोर आपको खोलते हो अगर बंद करते इसी में आपको काफी ज्यादा इसमें फर्क देखने को मिल जाएगा। ये चेक करो भैया, आसमान धरती का आपको फर्क मिल जाएगा। प्लस पॉइंट पे आप ये डोर बंद करते हो और खोलते हो तो ये आपको काफी स्मूथनेस देखने को मिलेगा। अच्छा, अंदर से सीट कवर वगैरह दिखाते हैं इसके अपने कैसे रहने वाले, प्रॉपर बकेट वाले, और जो कि इसमें गाड़ी के कॉम्बिनेशन के हिसाब से सारा इसमें सिलेक्ट हुआ है। अंदर से देख सकते हो व्हाइट और ब्लैक का कुछ कॉम्बिनेशन रहने वाला है भैया, काफी अच्छी क्वालिटी के अंदर इसके अंदर इंस्टॉल किया, जैसे आप चेक कर सकते हो फुली बकेट सीट को रहने वाला है। प्लस पे डिटेल स्टिचिंग है, सिल्वर स्टिचिंग के साथ है। नीचे हमने मैट इंस्टॉल कर दिया है जो हमारा 70 रहने वाला है। उसके बाद हमने इसके अंदर कोरकोडाइल वाली फ्लोरिंग भी इंस्टॉल कर दिया है भैया। अच्छा, अंदर तो से काफी आपको क्वालिटी वर्क, पीछे के भी आप भैया फिटमेंट चेक करा सकते हो, 0x0 फिटमेंट मिल जाएगा आपको। अच्छा, यहाँ पे स्टीयरिंग चेंज कर दिया, स्टीयरिंग भी है इसके अंदर हमने चेंज नहीं किया, स्टीयरिंग में भैया का कंट्रोल लगा दिया जो हमारा VXI वाला है भैया, VXI वाला रहने वाला, और रैप कर दिया मून डिजाइन भैया, मून डिजाइन में अपना डायमंड स्टूडियो। आगे हमने भैया पाइनियर का कंपोनेंट लगाया जिसका टूटर हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया है, पीछे क्वैक्सल लगाया है जो हमारा 350 और 390 वोल्टेज के अंदर रहने वाला है। साउंड क्वालिटी में एक बार आपको चेक कराता हूँ, इसके बजट की बात करें साउंड सेटअप तो अपना सुना दे, बजट क्या रहने वाला है भैया? 45 से 50 हज़ार में सारा काम हो गया अपना ना। जितने चीजें मैंने आपको दिखाया दोबारा रिपीट करते हैं, हेडलाइट में LED, हाफ गाड़ी पूरी ब्लैक, उसके बाद हमने डैम्पिंग किया है, इनर हैंडल चेंज कर दिया है, स्टीयरिंग चेंज कंट्रोल लगा दिया है, प्लस में रैप कर दिया है, स्टीरियो लगा दिया है डायमंड 2 के, आगे कंपोनेंट पीछे क्रैक्सल लगा दिया है, इनर हैंडल चेंज कर दिया है, सीट कवर फ्लोरिंग मैट, पीछे स्पॉइलर, नीचे रिफ्लेक्टर लाइट, गियर, मतलब सारा ही काम यहाँ पे अपना चेंज हुआ है। प्राइस की बात करें, अब देखो जो पहली गाड़ी की समय मैंने प्राइस नहीं बताया, बस एलॉय का प्राइस बता दिया है, वैसे चीज़ों का प्राइस क्या रहने वाला है जेन्युइन चीज़ों का? भैया जेन्युइन चीज़ों में जैसे बता दूं मैं आपको, स्टीयरिंग अगर कोई भाई चेंज कराता है टॉप मॉडल बेस टू टॉप सारा काम कराता है तो 3200 में आपको विद फ्री हम अंदर का फ्री रहेगा, स्टीयरिंग आपको 3200 में कंप्लीट हम लगा के दे देंगे। अच्छा, मिरर जो भाई टॉप मॉडल का लगवाएगा 6990 में हम कंप्लीट फिट करके दे देंगे ठीक है। गेन और कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा भैया के लिए। इनर हैंडल भी आपको बेस टू टॉप पे 900 में लगा के दे देंगे, पीछे रिफ्लेक्टर लाइट 1100 रुपये की लगा के दे देंगे, आगे LED 2500 रुपये से स्टार्टिंग है, जैसे आपके बजट वैसे चीज़ें मिल जाएगी। बाकी रूफ लाइट कॉम्प्लीमेंट्री हमने वाइट कर दिया, मतलब कुछ कुछ चीज़ें भैया को हम बिना बोले दे देते हैं भैया। अच्छा, ठीक है। नीचे मैट अपने पास भैया 1100 से मिल जाएगी, फ्लोरिंग 1200 रुपये से स्टार्टिंग मिल जाएगी, पार्सल ट्रे पे 1200 रुपये की है बेस टू टॉप कराने पे, मतलब सारा कुछ आपको मैंने बता ही दिया। बाकी रियर अगर किसी भाई को आमलेस चेंज कराना है वो मिल जाएगा, रियर AC वर्किंग कराना है वो भी अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको आना है जब आप आते हो कॉल करके आओ, सारी चीज़ अपने पास अवेलेबल काउंटर में मिलेगा। आप जैसे भी आते हो काम एक नंबर गाड़ी के अंदर करवाना है और जैसा करवाना है आप मुझे ज़रूर कॉल करके बताएं, जो भाई हमारा इतनी की बजट है इतनी ही काम कराना है तो वो भी हम करके देंगे उस बजट में। ज़्यादा से ज़्यादा भैया का रिक्वायरमेंट था जो हमें
कम बजट में ज्यादा काम कराना है, तो उनके हिसाब से हमने उसी बजट में काफी अच्छा काम करके दिया है भैया को। बाकी आपको कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट करके बताना। उसके बाद एक चीज और भैया, ग्लोसी फ्रेम भैया को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसका एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते हम। अच्छा, फ्रेम वगैरह का अपना ना। जी बिल्कुल, तो अपना कस्टमर फीडबैक दिलवाते हैं फिर अपनी लोकेशन वगैरह बताएंगे। जी बिल्कुल। तो अपने भैया रहने वाले इस गाड़ी के ओनर, तो भैया कहाँ से आए हो? मैं गुड़गांव से आया हूँ। गुड़गांव से वीडियो वगैरह देखी थी? हाँ बिल्कुल, आपकी वीडियो देखी थी एक महीने से। अच्छा, एक महीने से सारी वीडियो देखी लास्ट की। अच्छा अच्छा, तो जैसे कि भैया आप एलेक्सी वेरिएंट लेकर आए, आपने अपने बोले थे फैमिली के हिसाब से बजटली काम कराया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बजटली काम कराया है। मैंने पहले आते ही बोल दिया था इनको कि भाई मेरा इतना बजट है और मुझे इतने बजट में क्या क्या आ जाएगा, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। अपने आप लिस्ट बना दी और वो सारा सामान इंस्टॉल करा दिया बिना बोले। बिना बोले विद डिस्काउंट, विद डिस्काउंट, विद डिस्काउंट आपको काम करके दिया, सारा काम कर दिया। क्वालिटी वगैरह कोई? बहुत अच्छी क्वालिटी थी, बहुत अच्छा काम किया है। हाँ। कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, अपने आप सारे काम हो गए। उसमें सारी चीजें आपको मिल गई है? बिल्कुल सारी, जो मुझे करवाना था सारा हो गया। तो जैसे भी आप वीडियो देख आए, आप भी किसी भाई की वीडियो देख आए होंगे, आपकी भी इस टाइम कोई स्विफ्ट वाला भाई देख रहा हो तो आना चाहिए। बिल्कुल 100% आना चाहिए। और मैं अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करूंगा, वो भी आएंगे। आप वो भी आएंगे दिल्ली खुश होकर जा रहे हो गुड़गांव? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, थैंक यू भाई। आप क्या कहोगे? मैं इतना ही कहना चाहूंगा, भैया ने बहुत अच्छा काम किया है, गाड़ी अच्छी लग रही है। हाँ। और आप लोग भी आओ यहाँ पे, भैया के पास में डिस्काउंट देंगे। अच्छी बात है, अच्छा काम करते हैं भैया। वैसे जैसे एलेक्सी वेरिएंट ली आपने, अब लग रहा है कि हाँ पैसे तो बचा लिए। एक्चुअली लोग पूछ के जा रहे हैं उसे टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल है ना। क्योंकि ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं टॉप मॉडल में। हाँ। एक दो चीज को छोड़ के बाकी एलॉय वगैरह थोड़े बाहर से। हाँ, एलॉय मैं नेक्स्ट मंथ करवाऊंगा, इनसे करवाऊंगा यहीं से। हाँ, वो थोड़ा बजट थोड़ा आउट हो गया। हाँ। था तो मैं भैया से ही हिसाब से ही चलना चाहिए, क्योंकि गाड़ी बंदा लेता है थोड़ा बजट आउट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं नेक्स्ट मंथ आऊंगा भैया के पास, दो तीन काम कराने हैं मुझे, वो कराऊंगा मैं। ओके थैंक यू। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। तो भाई अपना कस्टमर फीडबैक तो दिलवा दिया, अपनी लोकेशन वगैरह कहाँ रहने वाली? भैया लोकेशन अपना रहने वाला दिल्ली करोल बाग अब्दुल अजीज रोड A4 कार एसोसिएशन। कॉन्टैक्ट नंबर भैया 9911567108 नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हो, हर एक चीज़ की प्राइस ले सकते हो। बाकी आप जब भी आते हो मुझे एक बार कॉल करके आइए, क्योंकि मार्केट में भी जब आप एंट्री करते हैं तो मेरे से लोकेशन ले लीजिए, क्योंकि ना मार्केट में काफ़ी दुकानें हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट में काफ़ी बंदे हाथ देने वाले हैं। तो आप नहीं चाहोगे फिर भी आपको वहाँ पे रुकने के लिए वो मजबूर कर देंगे। अच्छा। ठीक है, तो उस तरीके की बात होती है इस वाले रोड। हाँ, तो प्रॉपर लोकेशन लेके आए, प्रॉपर लोकेशन लेके आए आप लोग। और जब काम हमसे कराना है या हमारे से, आपको सारा कुछ मतलब प्रॉपर गाइड करना है, आपको हर चीज़ समझना है जो भाई से करा के जाना है, तो आप देखिए मार्केट में 1500 का ऊपर नीचे के फर्क आता है। हमारे क्वालिटी होती है, उनकी क्वालिटी नहीं होगी, बस इस चीज़ की फर्क आएगी। सेम क्वालिटी में सेम चीज़ वो आगे डिस्काउंट भी हम दे देते हैं, बिना बोले दे देते। भैया ही काम कराए थे, भैया का जो मतलब मोटा मोटा जो था 45 से 50 के बीच में, तो हम बजट बनाया है, लेकिन इनका बजट ज्यादा था, हमने एक लिमिटेड बजट में इनको काम करके दे दिया। अच्छा, तो डिस्काउंट हम करके और रेडी कस्टमर को देते हैं भैया। अच्छा, तो अपना कुछ यहीं तक वीडियो रहने थी। अगर आपके पास शिफ्ट है या शिफ्ट की बुकिंग करा रखी है तो ये सोच लेना कि ये नवरात्रि के लिए स्पेशल डिस्काउंट रहने वाला है हमारी तरफ से। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहीं तक अपने कुछ वीडियो रहे थे, वीडियो कर देना लाइक, शेयर कर देना सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में, है ना।